स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। बदलती बीजेपी में और मध्य प्रदेश खासतौर से संगठन में जिसमें बड़ा बदलाव आया है, मध्य प्रदेश के कुछ नेता अब राष्ट्रीय राजनीति में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लाल सिंह आर्य की। लाल सिंह जी, चुनाव कई नेता हारते हैं, आप विधानसभा का चुनाव क्या हारे मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर, और अब तो लगभग डेढ़ साल से ढाई साल शायद हो रहे हैं कि आप राष्ट्रीय राजनीति में, और जिम्मेदारी आपको हाल ही में अभी एक साल पहले मिली। स्वाभाविक है, राजनीति में कार्यकर्ताओं के दायित्व बदलते रहते हैं, जिम्मेदारियां बदलती रहती है। संगठन का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, किस कार्यकर्ता को किस मोर्चे पर खड़ा करना है, कौन सा काम लेना, ये दायित्व बदलते रहते हैं, कभी संगठन में कभी सत्ता में। और एक साल पहले मुझे भी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त भी करता हूँ, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं चुनाव हारने के बाद एडजस्टमेंट है या एक चुनौती जो भाजपा के सामने खासतौर से वर्ग विशेष को लेकर खड़ी हो गई है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हारना और जीतना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्यकर्ता को किस मोर्चे पर प्रभावी कार्रवाई के लिए खड़ा करना है, और इसलिए मैं चुनावी हारा हूं तब भी मेरे पास दायित्व रहे हैं, और चुनाव जीते तब भी दायित्व रहे हैं। संगठन के भी रहे, महामंत्री भी रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, तीन बार विधायक रहे, एक बार मंत्री रहे, हाँ, फिर चुनाव हारे। हाँ, तो कुल मिलाकर पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि हमें किस व्यक्ति को, किस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देना है, किस मोर्चे पर देना है और कौन सी जिम्मेदारी देना है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे बारे में जो चिंता की, नहीं लालसिंह जी, चुनाव हारे अपनी जगह, कई और नेता भी हारते, लेकिन उसके बाद फिर वहां उपचुनाव भी हुआ, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव भी हुए, तो ये सब बिल्कुल बाईपास करके सीधे जहां पहुंच गए वहीं, या ये सब मतलब आपको एक मजबूरी थी कि भाई छोड़ो अब राज्य की राजनीति से दूर रहना है? नहीं, मुझे लगता है कि जब राज्य और केंद्र में संगठन है, सत्ताएं हैं, तो स्वाभाविक है दोनों जगह ही राजनीतिक दृष्टि से किसी ना किसी कार्यकर्ता को भूमिका देना ही पड़ती है। और इसलिए मुझे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। जहां तक राज्यसभा के चुनाव है या विधानसभा उपचुनाव के मामले हैं, मुझे लगता है कि ये चुनाव तो हर पांच साल के भीतर कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, और इसलिए उसमें भूमिका भी मोर्चा की और पार्टी के नेताओं की तय होती है। और इसलिए हमने चुनाव भी फेस किए, और चुनाव के बाद एक संगठन मुझे लगता है कि भौगोलिक दृष्टि से, जातिगत दृष्टि से और कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं नेतृत्व तो निर्णय करता है, और इसलिए चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, उनमें भी किस क्षेत्र से किन कार्यकर्ताओं को हमें लाना है, पूरे देश को ध्यान में रखते हुए संतुलन बना रहे, जातिगत समीकरण, भौगोलिक समीकरण, सामाजिक समीकरण, क्योंकि संविधान में जब ये कहा जाता है कि सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तो मुझे लगता है कि संविधान की भावना के अनुरूप हमारा पार्टी का नेतृत्व तो कहीं ना कहीं निर्णय करता है। प्रदेश महामंत्री भी थे आप संगठन में, जिला अध्यक्ष, उससे पहले आप अपने मोर्चे के सदस्य के तौर पर लगातार बढ़ते गए आगे, चुनाव, फिर बात कहूंगा कि चुनाव को छोड़िए, दिल्ली में बैठ के मध्य प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं, और मध्य प्रदेश के संगठन में जो बदलाव आया है कुछ उसमें खास नजर आ रहा है? सिर्फ पीढ़ी परिवर्तन है और चुनौतियां बढ़ती जा रही है, टकराहट है यहाँ पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में, दिल्ली के नजरिए से लाल सिंह आर्य क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि संगठन में मध्य प्रदेश का हो चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, परिवर्तन एक अवश्यंभावी चीजें हैं, क्योंकि संविधान ही कहता है कि तीन वर्षों में हमें हर मोर्चा और प्रदेश अध्यक्षों में तब्दीली करना है या रिपीटेशन करना है। तो उसी तालतमो मध्य प्रदेश का संविधान, पार्टी का संविधान 25% की तो वैसे ही इजाजत देता है। हाँ, तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भी समय समय पर लगातार परिवर्तन होते रहे हैं, और परिवर्तन के बाद जो भी नेतृत्व बैठा है उस नेतृत्व ने एक आदर्श संगठन खड़ा करने के लिए, एक सक्षम नेतृत्व खड़ा करने के लिए मध्य प्रदेश में बहुत काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि कुशाभाऊ ठाकरे जी हो, चाहे राजमाता जी हो, चाहे पैरल खंडेलवाल जी हो, चाहे नारायण प्रसाद गुप्ता जी हो, और वहां से लेकर अभी तक सभी के सभी जितने भी हमारा नेतृत्व रहा है उसने सक्षम नेतृत्व और सक्षम पार्टी को बनाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा की है, और मध्य प्रदेश पूरे देश में एक आदर्श राज्य के रूप में, आदर्श संगठन के रूप में पहचाने जाता है। माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भी सत्ता में, संगठन में और सत्ता में शिवराज जी के नेतृत्व में एक मध्य प्रदेश
कहीं ना कहीं पेड़ा के रूप में देखा जाता है, एक आदर्श राज्य के दूसरे राज्यों के लिए, दूसरे राज्यों के लिए जोड़ी के बीच में तालमेल है, तालमेल है तभी तो सफल परिणाम आ रहे हैं। इसके पहले तालमेल नहीं था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, इसलिए तालमेल कभी खत्म होता ही नहीं है। नहीं, आपने कहा इन दोनों में तालमेल है, तो क्या इससे पहले तालमेल नहीं था? मेरा कहना, आपने प्रश्न किया कि तालमेल है कि नहीं है, तो हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, अध्यक्ष बैठते हैं, संगठन मंत्री जी बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, और इसलिए सामूहिक निर्णय होने के कारण तालमेलों में पार्टी में कभी दिक्कतें नहीं आई है। आपने देखा होगा कांग्रेस में तालमेल ना होने के कारण कई विभाजन हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व में विश्वास होता है, निर्णय होते हैं, इस कारण से पार्टी का कभी विभाजन नहीं हुआ है। उसी का परिणाम हम 300 से 303 पहुंच जाते हैं और 450 लोकसभा। भाजपा के बड़े नेता राजनाथ सिंह वर्टिकल विभाजन की बात करते कि वो कभी भाजपा में नहीं हुआ, लेकिन आप भाजपा से पहले संघ के स्वयं सेवक हैं। मैं फिर जानना चाहता हूं संघ कहां है और भाजपा बदलती भाजपा में वाकई में अब कुछ और भी जो एडजस्टमेंट के नाम पर चीजें हो रही हैं वो आप उसकी कल्पना आपने की थी क्या पिछले जब आप चुनाव लड़ने मैदान में जाते थे? मुझे लगता है कि मैं तो एक कारीगर का लड़का हूं, पिताजी मकान बनाते थे, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम जैसा गरीब कार्यकर्ता कभी चुनाव फेस करेगा और 5 बार चुनाव लड़ेगा, 3 बार MLA रहेगा, इतने बड़ी जिम्मेदारियों पर पहुंचेगा। ये केवल और केवल कहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। यहाँ परिवारवाद के दम पर कोई आगे नहीं जा सकता, काम के दम पर ही आगे जा सकता है। और मैंने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, नेतृत्व ने उसमें विश्वास व्यक्त किया है और इस कारण से एक जिम्मेदारी दर जिम्मेदारी। मेरा सवाल ये था, बदलती बीजेपी में एडजस्टमेंट हावी हो गया है क्या? एक संघ के स्वयं सेवक के तौर पर जाना चाहता हूँ, उसकी विचारधारा, उसके सिद्धांत, उसके उसूल, उसकी अपनी कार्यशैली क्या थोड़ा सा पीछे छूट रही है और भाजपा बदल रही है, तो उसका कारण क्या है? मुझे लगता है परिस्थिति जन्य कभी निर्णय होते हैं कुछ, लेकिन विचारधारा का जहां तक मामला है तो 1951 से जो विचारधारा चली वही हमारी चली आ रही थी। हमने एक देश में दो प्रधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे तब कहा था और हमने उसको करके दिखाया। हमने राम मंदिर के मुद्दे की कोई बात की तो राम मंदिर मुद्दा बनना है। हमने लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए कोई बात कही थी तो आज भी चल रहा है। हमने 3 तलाक खत्म करेंगे ये हमने कहा है तो हमने करके दिखाया। कुल मिला के विचारधारा से कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है, परिस्थिति जन्य कभी निर्णय करना पड़ते हैं तो कभी कभी राजनीति। मैं अपने सवाल को अब दूसरी तरीके से कहता हूं, संघ का स्वयंसेवक, खाटी भाजपा का कार्यकर्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अब उसका हक जो बाहर से नेता आते हैं वो छीन ले जाते हैं, ये कभी सोचा था कि ऐसा होगा? मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि देश हमारा है और देश के अंदर जितने भी राज्य हैं वहां संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी है। अनुसूचित जाति के एक कार्यकर्ता जो प्रदेश अध्यक्ष थे तमिलनाडु में एल मुरुगन जी, उनको षड्यंत्र पूर्वक वहां हराने का काम किया वहां के द्रमुक पार्टी ने, वहां के नेताओं ने मिलकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में पहुंचाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी देख लीजिए, एक तरफ द्रमुक दलित कार्यकर्ता को हराती है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी विदाउट सांसद उनको मंत्री बनाते हैं और मंत्री बनाकर दक्षिण के एक कार्यकर्ता को और नॉर्थ से मध्य प्रदेश से राज्यसभा बनाते हैं। मध्य प्रदेश से मुझे जहां मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आ रहे हैं उसी वर्ग से आते हैं, मुझे राज्यसभा में जाते भाई। मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी की जो संस्कृति है, उन्होंने कहा 4 मठ बनाकर यहाँ का दक्षिण का आदमी वहां रहेगा केदारनाथ में, ये नया प्रयोग भी होगा। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता की जहां आवश्यकता है जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है और एक अच्छे और सक्षम कार्यकर्ता एल मुरुगन जी है, उन्होंने पार्टी के नेतृत्व को आगे बढ़ाया। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, चारों मठ भी समझ गया हूँ, लेकिन लाल सिंह आर्य जैसे नेता है ना यहाँ, अगर मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो मध्य प्रदेश के लिए तो ज्यादा उपयोगी लाल सिंह आ रहे हैं। मुझे लगता है मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष हूँ, संगठन विस्तार के लिए काफी समय चाहिए, पार्टी ने सोचा होगा कि लाल सिंह आर्य को जो दायित्व दिया है उसमें वो काम कर रहे हैं और तेज गति से उसमें काम बढ़े, और इसलिए पार्टी कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है। मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर देश का भ्रमण तो कर ही लिया होगा आपने। मैंने कोरोना के 5 महीने के संकट के बावजूद भी 1 साल के भीतर 26 राज्यों का मैंने प्रवास किया है, पूरे राज्यों में पूरी टीम बन चुकी है, पूरे राज्यों की कार्यकारिणी बन गई है, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई है,
हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, प्रदेश पदाधिकारियों का कार्य विभाजन भी हो गया है, और नीचे तक हमारा लगभग 85% जिला गठित हो गए हैं, 75% हमारे मंडल भी गठन हो गए हैं। एक बड़ा स्ट्रक्चर पार्टी का, मोर्चा का हमारा देश में खड़ा हो गया है। बीच बीच में हमने कुछ कार्यक्रम भी किए हैं। राष्ट्रीय कार्यसमिति हमारी काशी में संपन्न हुई है। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से हमने बड़े बड़े कार्यक्रम, चाहे रविदास जयंती हो, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे संविधान निर्माण दिवस हो, ऐसे समय पर हमने कार्यक्रम किए। बड़ा वोट बैंक है। हाँ, और आने वाले 20 तारीख को फिर महर्षि वाल्मीकि की जयंती जिला स्तर तक कर रहे हैं, चुनावी विधानसभा मंडल तक कर रहे हैं। कुछ अलग है इस बार? अलग नहीं है कि परंपरा तौर पर जो हर साल होता था वही, या इस बार कुछ अलग क्योंकि यूपी चुनाव है सिर पर? नहीं, चुनाव को दृष्टिगत रखते नहीं। बीजेपी के 6 कार्यक्रमों में अम्बेडकर जी की जयंती बूथ तक मनती है, ये किसी भी राजनीतिक दल में ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन बीजेपी में 6 कार्यक्रमों में अम्बेडकर जी के जन्मदिवस प्रमुख 6 जो कार्यक्रम है उसमें मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती में मोर्चा का अध्यक्ष था, तब से ही मनाता चला आ रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैंने जो प्रदेश में किया वही मैंने पूरे देश में मनाने का। मध्य प्रदेश की लाइन को आप आगे ले गए, वैसे भी मध्य प्रदेश के संगठन का उदाहरण दिया जाता है। मुझे लगता है कुछ चीज ऐसी है, कांग्रेस ने इन महापुरुषों की जयंती अपने केवल कार्यालय में मनाई, और यही वो है कि इसके जरिए वो वोट बैंक अतिरिक्त भाजपा में इजाफा हो सकता है। इसलिए कांग्रेस ने कभी महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर छुट्टी नहीं की, कभी अम्बेडकर जी के नाम पर राष्ट्रीय छुट्टी नहीं की, कभी संविधान दिवस नहीं मनाया। उन्होंने नहीं किया तो वो तो घर में, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब हो रहा है। तो आज हिंदुस्तान के ऐसी के लोगों को लगने लगा है कि हमारे कल्याण, हमारे सम्मान और हमारी प्रगति के लिए कोई काम कर रही है तो बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का। लाल सिंह जी, मध्य प्रदेश से शायद आप दूसरे नेता हैं, इसके पहले अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सत्यनारायण जटिया जी निभा चुके हैं। जी, सत्यनारायण जटिया जी के दूसरे आप हैं, दूसरी बार मैं बना। तो तब जब मोर्चा आप देखा करते थे मध्य प्रदेश से बैठ के, आने वाले समय में अब और क्या बदलाव देखने को मिल सकता, क्योंकि कुछ नए प्रयोग भी हो रहे हैं। अब जो प्रभारी हैं, आपके मोर्चा को किसी सवर्ण को दे दिया या किसी आदिवासी को, जैसे मध्य प्रदेश में, तो ये बदलाव की आवश्यकता ये क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है, क्या हासिल करना चाहिए? मुझे लगता है कि जटिया जी के समय उस कार्यखंड में अनुसूचित जाति के लोग कम भी हुआ करते थे, लेकिन परिस्थितियां बदली। जैसे ही हमारी सरकारों ने काम किया, जैसे ही केंद्र ने अच्छा काम किया, वैसे ही नीचे गरीबों को, अनुसूचित जाति के लोगों को लगने लगा कि पहली बार कोई सरकार बन रही है जो हमारे कल्याण के बारे में विचार करे, सम्मान के बारे में। तो बड़ी संख्या से अनुसूचित जाति का वर्ग ट्रांसफर बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में स्थापित हुआ। कहां से आ रहा है ये वोट बैंक? पूरे देश में अनुसूचित जाति का बसपा तो सब जगह है, सब दूर जुड़ रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में 60% लगभग ऐसी बीजेपी को मिला है, और कभी चुनाव नहीं जीते फिर भी हम वहाँ 4-5 से लेकर और 70 से ऊपर पहुंचे हैं, ये बड़ी हमारी उपलब्धि है। तो उस समय के मोर्चे में आज में सवाल, मतलब जहाँ भी सरकार बन रही है या जहाँ सशक्त विपक्ष की भूमिका भाजपा निभा रही है, इस वर्ग विशेष जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके समर्थकों के कारण ही भाजपा मजबूत और खड़ी हुई है। उसके और भी कई कारण है, जैसे कांग्रेस लगातार बीजेपी के बारे में कहती आई कि ये आरक्षण खत्म कर देगी, ये संविधान खत्म कर देंगे, ये सवर्णों की पार्टी है, ये भ्रम है। लेकिन ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की ताकि ये बड़ा वोट बैंक हमको बिना विकास पर, अगर सच नहीं है तो उसको भ्रम दूर करने की कोशिश आवश्यकता क्या? वो मैं कह रहा हूँ, अनुसूचित जाति का मोर्चा एक बड़ी संख्या में जब बनता चला जा रहा है, तो कांग्रेस की जो भ्रांतियां थी, जो झूठ बोलते थे, हमने जब अनुसूचित जाति के लोगों को प्रामाणिक चीजें बताई कि हमारे अटल जी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी जी रहे, उन्होंने कहा भी है कि आरक्षण को खरोच भी नहीं आएगी, लेकिन बार बार बयान तो आ जाते हैं। नहीं, बयान इसलिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग उस पर, अरे सर, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान बिहार चुनाव के पहले, अब यूपी चुनाव, तो भ्रांति उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने ये कहा था कि जब भी आरक्षण पर कोई बहस होगी, अनुसूचित जाति का ही आदमी जब तक नहीं चाहेगा तब तक उस पर बहस करना ठीक नहीं है, तब तक आरक्षण जारी रहेगा, ये विषय कहा। उन्होंने कहा एक व्यक्ति के साथ भी अनटचेबिलिटी होती है तब तक व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है। कुल मिलाकर जब भ्रांतियां दूर होने लगी और हमारी सरकारें अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बराबर और ज्यादा काम करने लगी, इस वर्ग